ओम शांति। तो जो भी जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हैं, हमको उसी पुरुषार्थ, उसी परिस्थिति में अपना पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जब फाइनल एग्जाम होगा ना, उसमें कोई कारण नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम होता उसमें कारण पूछते क्या कि बच्चे शोर करते थे इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, अथवा लाइट चली जाती थी इसलिए नहीं पढ़ पाए, अथवा पड़ोसी टीवी चलाता था इसलिए नहीं पढ़ पाए। कोई कारण पूछा जाता क्या? कोई कारण नहीं पूछा जाता। इसी प्रकार से जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें कोई भी कारण नहीं पूछा जाएगा। जैसे भी हो उसी परिस्थिति में हमें पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ के लिए तो विधियां तो अनेक हैं, रोज़ नई नई विधि बाबा मुरली में बताते हैं, लेकिन एक चीज़ मुख्य है, वो है सुदर्शन चक्र। आज भी मुरली में था, तुम बच्चे क्या बनते हो? त्रिकालदर्शी बोलते हो। परमात्मा परम शिक्षक है और उसके अंदर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वो ज्ञान हमको देके क्या बनाते हैं? हमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो अगर संपूर्ण बनने के लिए केवल रचता और रचना का ही ज्ञान काफ़ी है, अगर ज़्यादा आप नहीं समझ सकें, केवल एक ही पॉइंट में सब चीज़ समझना चाहते हैं, तो एक कौन सा है? सुदर्शन चक्र। मुरली में भी आता है, सुदर्शन चक्र फिराने से क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा, है नहीं? तो उसी से इतने ऊंच पद की प्राप्ति होती है। तो लौकिक में भी देखिए, सुदर्शन चक्र वर्ल्ड की हिस्ट्री, जो ये रचता और रचना का ज्ञान क्या है, इसको बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जैसे लौकिक में है ना, जो सबसे बड़ा पद IAS होता, कलेक्टर बनना, है नहीं? तो जो कलेक्टर बनने में मुख्य सब्जेक्ट होता ना, वो होता कौन सा? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अभी तो अन्य सब्जेक्ट भी हो गए, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट पहले कौन था? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसी प्रकार से वो हद के लिए जो सबसे बड़ी पोस्ट है उसके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी, और विश्व के मालिक बनने के लिए क्या है? विश्व की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आप रचता और रचना का ज्ञान ये बुद्धि में रखो, भाई कैसे कैसे ये सृष्टि चक्र घूमता है और कैसे आत्माएं इस सृष्टि मंच पे पार्ट बजाने आती हैं। बार बार अपना स्मृति मिलाओ इसको, है नहीं? तो बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र फिराने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ओम शांति।